हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और जैसा कि आपको पता है कि मैं बिजली से संबंधित आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता रहता हूं, और आज भी हम एक ऐसे टॉपिक में बात करेंगे। कई बार मैंने अक्सर देखा है कि गांव में लोग अपना बिल नहीं भर पाते। उनको ये पता नहीं होता कि अक्सर बिल में क्या क्या डिटेल होती है। उन्हें किसी और के पास जाना पड़ता है कि भाई साहब देखो जरा मेरा बिल कितना आया हुआ है। और कई बार तो मैंने ये देखा है कि जिनका बिल जीरो होता है वो भी दफ्तर में बिल देने आ जाते हैं। तो दोस्तों, हम पूरी बारीकी से आज इलेक्ट्रिसिटी बिल को देखेंगे कि उसमें क्या क्या डिटेल होती है, आखिर बिल जो आपका बिल है वो कितना बना है। पूरा पोस्टमार्टम आज हम बिजली के बिल का करेंगे। तो ज़्यादा ना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हिमाचल में जो है वो इस तरह का जो बिल आपके पास आपके घर में पहुंचता है, सबसे पहले जो है वो कंज्यूमर डिटेल होती है। कंज्यूमर का नाम होता है, उसके नीचे उसका एड्रेस होता है। अभी सब डिवीजन कोड जो है, ये आपके सब डिवीजन का कोड है कि आप किस सब डिवीजन के अंदर आते हैं। उसके बाद अकाउंट नंबर है, और उसके नीचे कौन आईडी, मतलब कंज्यूमर की आईडी होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो उसके दोस्तों उसके नीचे इंस्टॉलेशन नंबर होता है, जब आपका मीटर इंस्टॉल होता है तो, और उसके नीचे आपका कैटेगरी, उसके नीचे मीटर नंबर, और उसके नीचे जो है वो आपकी वोल्टेज सप्लाई होती है। उसके नीचे बिल डिटेल, आपका जो बिल नंबर है वो कितना है, इशू डेट 24 नवंबर 2022, कनेक्टेड लोड आपका कितना है 0.480। थोड़ा सा नीचे हम जाएंगे तो मीटर रीडिंग डाटा है, न्यू रीडिंग आपकी इतनी है, ओल्ड रीडिंग आपकी इतनी है, और जो यूनिट कंजप्शन आपकी 116 यूनिट हुई है। प्रीवियस डेट 20 अक्टूबर, करंट डेट 24 नवंबर, आपको 24 नवंबर को बिल दिया गया था, और पीछे जो है वो 20 अक्टूबर को बिल दिया गया था। अभी जो नीचे है वो कैश ड्यू डेट है, मतलब आप 26/11 तक कैश के थ्रू बिल पे कर सकते हैं, और 24/11 तक चेक से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। उसके नीचे एनर्जी चार्जेज है, उसके नीचे मीटर रेंट होता है, अभी मीटर रेंट जो है ख़त्म कर दिया गया है। उसके नीचे फिक्स चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज है, और उसके नीचे जो है गवर्नमेंट सब्सिडी है। दोस्तों, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो पीएफ सरचार्ज है, सन्ड्री चार्ज, अगर कोई आपको क्रेडिट डेबिट अगर बिजली विभाग करता है तो यहाँ पे आती है। एडवांस अमाउंट एडीवी जो पेमेंट है, इसमें अगर आपने एडवांस पेमेंट करी है तो इसमें दिखाती है। एरियर कोई आपका है तो आपका एरियर टीसी के आगे आता है। नेट इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग, अगर आपका पिछले महीने का बिल आपने नहीं दिया है तो आउटस्टैंडिंग के आगे जो है वो आपका अमाउंट जो है वो शो होता है। और उसके नीचे है अलाउंस, अलाउंस अगर आपको कोई बिजली बोर्ड कोई अलाउंस देता है तो वो अलाउंस के आगे आता है। और दोस्तों, ये है बोर्ड एम्प्लॉई रिवेट, मतलब अगर बोर्ड में कोई एम्प्लॉई है तो उसको रिवेट जो है वो कितना जा रहा है वो इसमें मेंशन होता है। दोस्तों उसके नीचे है ग्रोस अमाउंट, दोस्तों उसके नीचे है जो है आपका ग्रोस अमाउंट है। इंटरेस्ट डिटेल, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने कितनी करी है, जो 360 रुपये है आपने जब कनेक्शन लिया था तो सिक्योरिटी आपने कितनी भरी थी, TDS वगैरह का जो है पूरा डाटा इसमें होता है। पे वेल डिटेल, बिफोर ड्यू डेट, आप अगर डेट से पहले देते हैं तो 765 रुपये, आफ्टर ड्यू डेट के बाद आपका 770 रुपये जो है वो लगेगा। उसके नीचे आपका जो है वो कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग है और आपने दे दिया है तो नीचे लिखा हुआ है प्लीज इग्नोर आउटस्टैंडिंग अमाउंट इफ ऑलरेडी पेड, और उसके नीचे लिखा हुआ है प्लीज पे बिल अमाउंट 2 डे आफ्टर बिल रिसीव, अगर आपके रिसीव होने के बाद आपको 2 दिन के बाद बिल को देना होता है। और ये नीचे नोट है सब्सिडी अमाउंट आपको जो है इतना प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट हिमाचल। दोस्तों उसके नीचे एक्नॉलेजमेंट शीट होती है। तो दोस्तों, हमने पूरी बारीकी से देखा कि क्या क्या जो है बिजली बिल में डिटेल होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और लोगों को शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बिजली से संबंधित जो भी आपको मैं वीडियो बनाता रहता हूं आपके लिए फ़ायदेमंद होगी।